সে তো নিচে করে ঢেলবে ও তো বিশাল বিশাল তো ভেকুন্ডের উপর ওঠা আমার ধর্ম নয় বেশি जो जो बताया हमने सब होगा सत्य और फिर उसी योगी में जल लगारी भक्ति भक्ति होगी आज ज्यादा शरीर जो है दिन बना निष्ठा नहीं होने की बोल दो चीजों का पालन करना एक तो कोई भी नशा मत करना छोड़ कर कैसा छोड़ कोई नशा मत करो होकर जितने भी नशे हैं सब दुखदाई उनका पी लिया और किसी भी पशु पंक्षी का मां तो रंडा मत बाकी अनाज सब्जी दूध घी रुपये जीरो फल को खाओ अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो अच्छे से काम तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहे स्वस्थ मतलब है निरोगी निरोग नहीं और ये सब चीज करोगे और भोगों में भी सो जाओगे तो शरीर चीज हो जाए शरीर की सब चीज खत्म हो जाए। अब मैं 2 साल के ऊपर 9 नोमा है 1 और 9 तो देखते होंगे आप शरीर पुराना है लेकिन आप सामने काम करते और जिन्हें भी दौड़ दौड़ के काम करते सुविधा हो जाए तो उसमें तो काम है मिट्टी है तो पुरानी हो जाए और एक दिन मिट्टी जमा दे दे काम अपनी एक कुछ बन जाए दो चीजें बहुत बढ़िया थी और सब्जी पर दूध घी पर 10 लाख साल नियम तो रहोगे कौन कौन चीज रखोगे उसका तो मजन भी बन जाएगा और शरीर भी ठीक रहेगा कौन कौन चीज भी रखोगे तो जब घर में डॉक्टर हो जाए दवा रखनी तो बीमारी हो जाएगी आप मैं अपने कर्मों से बीमारी को बुला करके और रो रहे सब लोग मिलते हैं उनको पता चल जाता है आपके हाथ पकड़ने से कि कितने तुम्हारे अंदर किस किस प्रकार की बीमारियां हैं और क्या शक्ति है हाथ पकड़ के उसको समझ लेने के बाद होगा डॉक्टर जब नहीं समझेंगे तो इलाज क्या करें तो आपका इलाज कर समझ गए दवा दे रहे उसको ले रोक कर दीवार में बैठ जाओ नाम दान दिए देते हो
ना बोलो घर ये जीवात्मा सुनते होगा ये महात्मा ही दे सकते हैं और किसी के पास भी कर नहीं घर जाओ जल्द अल्लाह बोलेंगे सब लोग एक साथ एक आवाज ही बोले आगे पीछे कोई नहीं बोले संसार का धन रख दो इनको दे दीजिए तो नहीं मिले समझे नहीं ये खुशी का होगा खुशी की वक्ति जब प्रसन्न होते हैं तो हम कह देते हैं कि धन दौलत की तरह मिल जाएगी कभी कभी मैं सोचता कि तुम 1 रुपया देते हो सुनता तो बच्चे को सुनता स्कूल में बच्चे जो जाता है 1 रुपया दीजिए तो लेके मुंह पे मारता गरीब देख लो 2 रुपया भी और हमको खुश करते हैं दूसरे दिशा में और ऐसे उनको देखते हैं क्या बनेगा वो तुम्हारा सिक्का पानी की ताली ट्रैक्टर की ताली होती है भरा तो पड़ा कोई नहीं बने बैंक में जाइए दिन भर खड़े रहते शाम को आइए कि नहीं हो सकती ही नहीं इसको सुन के नहीं कहने का मतलब यह है तुम बेगर आप अपनी गलत नहीं समझती ऐसा समझ काम कभी नहीं हम बोला धन ले लो और कमा करके हमको दो कि तुमने अंदर कितना कमाया कितना तुमने देखा और कितना सुना वो हमको चाहिए उससे प्रसन्नता होगी और तुम ऐसे ही खड़े हो गए हमने तो साधन भजन कर नहीं पाया हम देंगे तुम कोई शत्रु थोड़ी हो कबूत हो कबूत में ये जो हुक्म जो काम बता करके ले आओ इससे प्रसन्न हो उसको पिता भी दे सोने की चिड़िया ही ना जाओ ना उससे कुछ मिट्टी है आप लोग बैठ जाओ और दीवान और दीवान के बैठो और जो जो नाम बोल रहे सब लोग एक साथ एक आवाज में हो जय गुरुदेव जय गुरुदेव ना वो मारे नहीं वो दरबार से वो सब छोट होता है कर्म खाती है दूसरा देख लेगा पूरा उच्चारण करो।